नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है केदारनाथ का और हमने केदारनाथ का ट्रिप शुरू करा देहरादून से। हमने ये पर्सनल चॉपर बुक कराया था, जो दो चॉपर्स बेसिकली चलते हैं, एक देहरादून से और एक शायद जोशीमठ के आगे से। और ये जो चॉपर रहता है थोड़ा कॉस्टली रहता है, इसका प्राइसिंग 5 लोगों का इसमें सेटिंग रहता है। और हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धाम के दर्शन बुक कराए थे और विद इन 2-2.5 आवर्स हम लोग दर्शन करके वापस भी आ गए थे। अर्ली मॉर्निंग हमने चॉपर लिया देहरादून से और फिर हम चॉपर लेके निकल पड़े केदारनाथ के लिए। और रास्ते में वैली इतना सुंदर था, जो हमारे पायलट थे वो हमें समझाते जा रहे थे कि ये वाले रेंजेस हैं, ये है, ये है, जो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो सब उन्होंने हमें दिखाया। और काफ़ी ब्यूटीफुल वैली लग रहा था ऊपर से, तो मतलब बहुत ही सुंदर। ऐसे बाय रोड अगर आप जाएंगे तो थोड़ी, मुझे तो बहुत नौजिया का प्रॉब्लम है तो हालत भी ख़राब होती है, बट बाय चॉपर बहुत अच्छा लग रहा था और ब्यूटीफुल भी था। और ऐसा लग रहा था बस मतलब फट से हम लोग पहुँच गए थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा। और एक न्यू एक्सपीरियंस भी था चॉपर का, तो काशु कनक भी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत इंजॉय करा। बस एक प्रॉब्लम रहता है चॉपर का कि आप बहुत ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते हो अपने साथ। जैसे केदारनाथ आप जा रहे हैं तो अपने साथ एक जैकेट ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। देहरादून में थोड़ी गर्मी थी, बट केदारनाथ पहुँचते ही एकदम से मौसम चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है और चॉपर्स का फिर सेवा भी थोड़ा सा रुक जाता है। और वहाँ ज़्यादा शॉप्स नहीं है तो आप इमिडिएटली कुछ ले नहीं सकते हो। तो हम जैसे ही केदारनाथ पहुँचे, हमें मौसम काफ़ी ठंडा था और काशु मेरे साथ था, तो हम दोनों ने जैकेट कैरी कर रखी थी ऑलरेडी, तो हम लोग मतलब ठीक फील कर रहे थे और धूप भी अच्छी निकल रही थी तो ठीक लगा था। और बहुत ही ब्यूटीफुल था, जैसे आपने मूवी में देखा होगा ना केदारनाथ मूवी में, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही था। आफ्टर फ्लड थोड़ा सा वहाँ डैमेज तो हुआ है, थोड़ा ही नहीं काफ़ी हुआ है, बट धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। बट अभी भी बहुत ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं हैं तीर, और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। काशु हम सबको थोड़ा सा वॉक करने में प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने वहाँ लिया एक रुद्राक्ष माला भोले बाबा की, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी ये माला मुझे। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था वहाँ पे। अगर किसी को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग अपने साथ इन्हेलर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ कोई ऐसे मेडिकल इमरजेंसी शॉप्स वगैरह ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ इशू हो सकता है। इट्स बेटर कि अगर कोई ट्रैवलर्स हैं तो अपने साथ अपना मेडिसिंस और इन्हेलर्स कैरी करें, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। आप सोचिए, जब हम लोग डायरेक्ट चॉपर से पहुँचे हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा था, तो जो लोग पैदल चल के आते हैं उनके लिए तो सच में बहुत डिफ़िकल्ट यात्रा है ये। बट बहुत ब्यूटीफुल था। मैं फ़र्स्ट टाइम केदारनाथ गई थी और केदारनाथ पहुँच के मतलब लग रहा था कि वर्थ इट है आना, और भोले बाबा की वहाँ पर आके जो आस्था है वो तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर फाइनली हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों का यात्रा ख़त्म होता है और हम लोग वापस चॉपर से अपना देहरादून के लिए निकल जाते हैं। जय भोले बाबा की।